हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना सिक्स चैप्टर शुरू करेंगे माधव जी फौजदार। अब माधव जी जो है वो कौन थे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, जो है ना। तो इतिहास में आप लोगों ने जो है शिवाजी के बारे में पढ़ा होगा, है ना, जो हमारे राजा राज्य करते थे, मराठा साम्राज्य के राजा थे, ठीक है। और उनके सेनापति का नाम था तानाजी, ठीक है। तो माधव जी जो था वो उसके पिता जो थे वो शिवाजी की सेना में सैनिक थे और युद्ध में लड़ते लड़ते जो है उन्होंने अपना अपने प्राण न्योछावर किए थे, ठीक है। तो शिवाजी ने जो है उसके घर की कोई चिंता नहीं की, है ना, अपने सैनिक के घर के परिवार का पालन पोषण कैसे हो रहा है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। तो वो जब 2 साल बाद बड़ा होता है तो उसको पता चलता है कि मेरे पिता ने इतना देश के लिए किया लेकिन शिवाजी ने तो हमारे घर के लिए कुछ नहीं किया, ठीक है ना। तो वो जो है उसके मन में बदले की भावना आ जाती है, ठीक है। और वो जो है ये बोलता है कि मैं ऐसे व्यक्ति को मार सकता हूँ, ठीक है ना, बदला निकालूंगा कि उन्होंने हमारी मदद क्यों की और इवन उनके पास जो है खाने के लिए भी कुछ बचता नहीं है। तब वो ये सोचता है कि शिवाजी ऐसा कैसा कर सकते हैं कि जो व्यक्ति अपने देश के लिए जान दे रहा है तो उसके परिवार का पालन पोषण करना उनका कर्तव्य बनता है, ठीक है। तो एक सैनिक जो है उसको लालच दे देता है कि भाई तुम मुझे धन, मतलब मैं तुमको बहुत सारा धन दूंगा अगर तुम शिवाजी की हत्या कर दोगे। तो वो सोचता है कि मेरा बदला भी निकल जाएगा और मुझे धन भी मिल जाएगा, ठीक है। तब वो शिवाजी की हत्या करने आता है। देखो यहाँ पे चित्र बना हुआ है, ठीक है। अब हमको तीनों लोगों के कैरेक्टर जो है, तीनों कैरेक्टर जो है उनके गुण देखना है पहले। सबसे पहले माधव जी फौजदार के गुण कौन कौन से थे, वो उसके अंदर निर्भयता का गुण था, है ना, कि वो डरता नहीं था। दूसरा प्रतिज्ञा पालक, है ना, हमेशा अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता था। तीसरा कर्तव्य भावना, है ना, उसके अंदर जो है अपनी जिम्मेदारी को समझने की शक्ति थी, है ना, वो अपना हमेशा कर्तव्य पूरा करता था। और चौथा है मातृत्व, है ना, वो अपनी माँ से बहुत अधिक उसका लगाव था। आगे असल में ये 4 गुण आपको याद रखना है। फिर मराठा साम्राज्य के जो राजा थे शिवाजी, उनका उनमें कौन कौन से गुण थे, वे उदार थे, उनके अंदर उदारता का गुण था। और दूसरा राष्ट्रप्रेम, है ना, उनके अंदर राष्ट्रप्रेम का गुण था, ठीक है। फिर उनके जो सेनापति थे तानाजी, उनका उनके अंदर कौन सा गुण था कि वो स्वामी भक्त थे, है ना, क्योंकि वो सेनानायक थे, बराबर, सेनानायक समझते हो ना, सेनापति, सेना होती थी और उसका एक सेनापति होता है। तो और दूसरा अपने अपने राजा के प्रति भक्ति, है ना, जैसा अपने देश के प्रति भक्ति, ठीक है ना। तो जब भी कोई युद्ध होता था तो हमेशा सेना की आगेवानी करते थे, मतलब नेतृत्व करते थे, है ना। यहाँ तक समझ में आया सबको, चलो अभी यहाँ से अब देखो कैरेक्टर कौन कौन से हैं, तानाजी है, शिवाजी है और माधव जी है। ये 3 कैरेक्टर पूरे आपको इसमें एकांकी में बताए हैं। तो ये आपस में जो बातचीत करते हैं वो आपको ध्यान रखना है कि कौन किससे क्या कहता है, इसका आपको 2 मार्क का क्वेश्चन जो है हमेशा एग्जाम में आता है, किसने किससे कहा, ठीक है। तो अभी आप समझ लोगे तो आप उसका आंसर, उसके आंसर बता सकते हो। वर्कबुक में बहुत डिटेल में दिया हुआ है तो चैप्टर आप लोग जो है उस हिसाब से समझना, ठीक है। तो दृश्य कहाँ का है, ये सच घटना है, ये घटना सन 1500 के आसपास, जैसे 2000 अभी चलता है तो 1500 के आसपास ये घटना हुई है, ठीक है ना। शिवाजी पात्र कौन कौन से हैं, शिवाजी, माधव जी, तानाजी और दरबार, दरबार किसको बोलते हैं, जो सैनिक होते थे वो, ठीक है। तो देखो ये हमको कमरा दिख रहा है ना, उसमें शिवाजी पलंग पे सो रहे हैं, सामने जो है वो माता जी का फोटो है। फिर एक किशोर आयु का माधव जी, ये माधव जी है छोटा वाला, हाथ में नंगी तलवार लिए शिवाजी की हत्या करने आता है। शिवाजी भयानक स्वप्न देखकर आंख मलते हुए उठ बैठते हैं। माधव जी उन पर वार करता है, पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तानाजी सेनापति थे लेकिन शिवाजी की रक्षा भी करते थे। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की तरफ देखते हैं। शिवाजी तुम कौन हो वत्स, है ना, तो पूछते हैं कि तुम कौन हो, वत्स मतलब होता है बेटा, है ना, तुम कौन हो। तो बड़ा वीर बन के वो बोलता है कि तुम बहुत वीर था, है ना, मेरा नाम माधव जी है। फिर वो पूछते हैं, माधव जी जानते हो इस अपराध के तुम्हें क्या दंड भुगतना पड़ेगा। तो उसको पता था कि मैं जिस व्यक्ति को मारने आया हूँ तो मुझे मृत्युदंड नहीं मिलेगा, है ना, तो क्या कहता है, मृत्युदंड। तो मृत्युदंड पाने से पहले तुम्हें मुझे एक बात बतानी पड़ेगी, बराबर। वो पूछते हैं कि भाई कारण तो पता चलेगा कि वो शिवाजी को क्यों मारने आया था, है ना, तो वो वह क्या, तुम्हारी बातों और चार ढाल से पता चलता है कि तुम वीर पुत्र हो और सत्यवादी हो, है ना, उसका उसका जो है वो बॉडी देख के वो पहचान जाते हैं, पहचानते मतलब एक
सोचते हैं, है ना, अंदाज लगाते हैं, क्या लगाते हैं कि वो एक वीर पुत्र दिखाई दे रहा है, उसकी बातों से पता चलता है और हमेशा सच बोलता है। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। माधव जी, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है, है ना। युवक मुझे मारकर क्या तुम मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे, बराबर। अब वो कारण पूछने लगे कि तुम मुझे मारने आए थे तो क्या तुम यहाँ के राजा बनना चाहते हो, नहीं। फिर दूसरा क्वेश्चन, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी, है ना, मैंने तुमको कोई नुकसान पहुंचाया है, क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है, है ना, मैं तो वीर हूं और अच्छे से युद्ध करता हूँ, हमेशा जीत के आता हूँ। महाराज ये सब कुछ नहीं, ठीक है, तो फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी, है ना। तो शिवाजी को भी ऐसा मतलब लगता है कि भाई क्या बात थी जो ये इस तरह से मारने आया। अब वो जो है असली कारण बताते हैं। या बड़ा क्वेश्चन है कि शिवाजी के पूछने पर माधव जी ने उन्हें मारने का क्या उत्तर बताया, तो आप जो है वो क्या बताता है, यदि आप पूछते हैं तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना के सिपाही थे, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय मैं घर में, मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। हम लोग 2 लोग घर पे रहते हैं, पापा तो है नहीं, ठीक है। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दूभर हो गया है। दूभर होना मुहावरा है, मुश्किल से मिलना या न मिलना, ठीक है। इस संसार में मनुष्य सबको सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता, है ना। वो खाने के लिए तो चाहिए पड़ता, तभी तो व्यक्ति जीवित रहता है, ठीक है। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा, यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। देखो लालच के कारण, है ना, शिवाजी महाराज इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंख खुल गई। आंख खुलना वापस मुहावरा है, नींद से जागना। 2 मीनिंग होते हैं आंख खुलना का, 1 मीनिंग होता है सच्चाई का ज्ञान होना, ठीक है। तो जब तुम्हें इतना कष्ट था तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए, तुम जो है लालच में आके क्यों मुझे मारने आए। महाराज मेरे आने की क्या आवश्यकता थी। अब वो देखो असली कारण बता रहा है कि जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका कर्तव्य था, उनको उनके कर्तव्य की याद दिला रहा है, ठीक है। बालक की निडरता की मन मन प्रशंसा करते हुए बनावटी गुस्सा दिखाते हैं उसके पर। ताना जी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो, कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। माधव जी, मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ, वह क्या, मरने से पहले मैं अपनी पूजनी माता के दर्शन करना चाहता हूँ, बराबर। ये उसने अपनी शर्त रखी कि आप मृत्युदंड दोगे उसके पहले मुझे अपनी माँ से एक बार मिलना है, और यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तब, है ना, मैं वीर पुत्र हूँ, है ना, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि माता के दर्शन करके जल्दी वापस आऊंगा। शिवाजी बहुत खुश हो जाते हैं, मनी मन खुश होते, ऊपर से तो गुस्सा दिखा रहे, ठीक है, अच्छा जाओ यही देखना है। अब वो चला जाता है। अब तानाजी जो उनके सेनापति है वो वहीं खड़े रहते हैं, वो कहते हैं इस बालक में वीरता कूद कूद कर भरी है, साथ ही अपनी माता का भी भक्त है, है ना। वो तानाजी से पूछते हैं कि आप क्या कहते हो इस बारे में। महाराज, मैं भी इसकी वीरता और साहस पर बहुत मुग्ध हूँ, है ना। तानाजी, जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करने वाला हूँ, क्योंकि वो तो कैसे पता कर पाएंगे, राजा तो हमेशा मृत्युदंड देता है, इतना सारा कोई बोले उसके सामने। नहीं महाराज, इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूंगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में ये कोई कसर बाकी नहीं रखेगा। घातक के साथ इतनी दया, घातक कौन था जो मारने आया था, आपको जो मारना आया उसको आप कैसे बचा सकते हो, धन्य हो आप। तानाजी, मारने वाले से बचाने वाले में ज्यादा शक्ति होती है, तो आज तुमने हमारी जान बचाई, है ना, तानाजी की जान बचाई थी, इसलिए हम तुम्हारे आभारी हैं। महाराज आप ये क्या कहते हैं, मैं तो आपका दास हूँ, स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य होता है। वो क्या बोलते हैं, मैं तो आपका अपनी ड्यूटी निभा रहा था। तारा जी, तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसे सेना नायकों का भारत माता गर्व करती है, है ना, उनको जो है वो ये अप्रिशिएट करते हैं थोड़ा, क्या बहुत अच्छे हो, हमेशा जो है हमारे देश की मदद करते हो। अब दूसरे दिन क्या होता है, वापस से शिवाजी और ताना जी की बातचीत है, वो लड़का जो है माधव जी अपनी माँ के दर्शन करके वापस आ गया है, ठीक है। अब ताना जी, न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति प्रेम उमड़ रहा है, जब से वो गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। ये शिवाजी ताना जी से बात कर रहे हैं। महाराज, ये उसकी वीरता और साहस का फल है, है ना, क्योंकि उसकी बातों से हमको वीरता प्रकट होती है और हिम्मत भी है उसमें। तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ, इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस, है ना, कितना छोटा है उम्र में लेकिन फिर भी कितना हिम्मत वाला है। जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, है ना, शिवाजी मुगल लोग जो थे ना, मुगल्स जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसे इसमें आ गया होगा, है ना, अकबर जहांगीर वो सब,
तो उनके वो लोग जो है शिवाजी के नाम से जो है बहुत डरते थे, बराबर ना, कई बार उन्होंने अटैक किए थे लेकिन वो उनसे जीत नहीं पाए। उसके सामने एक बालक का इतना साहस, इसमें भी क्या संदेह है महाराज। अब इतने में क्या है कि तानाजी को जो है बालक जो है मालव जी अपनी माँ के दर्शन करके वापस आ जाता है। महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है, उसे बुला। फिर मालव जी आके क्या बोलता है, महाराज आपका अपराधी मृत्यु दंड पाने के लिए प्रस्तुत है। वीर पुत्र तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए, हैं तुम तो अपनी माता से मिलने गए थे, तो तुम इतनी जल्दी कैसे आए। महाराज आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा, माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी, देखते ही मुझे छाती से लगा लिया, है ना, क्योंकि उनका तो वही एक सहारा बच्चा था, बराबर, क्योंकि पति की तो मृत्यु हो गई थी। उस समय मैंने सोचा कि मैं उसे सारा भेद कह दूं, सच्चाई बता दूं कि भाई मुझे मृत्युदंड मिलने वाला है, परंतु मेरी हिम्मत ना पड़े, है ना। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु फिर वापस एक शर्त रखते हैं, मरने से पहले एक बात और कहना चाहता हूँ। कहो कौन सी बात है। मेरी माँ की देखरेख का भार आप अपने ऊपर ले लीजिए, क्योंकि मुझे आप मृत्युदंड दे दोगे, पिताजी नहीं है तो फिर माँ की देखभाल कौन करेगा, मतलब जब तक वो जीवित रहेगी तब तक उनके उनका खर्च जो है वो आपके राजकोष से चलाना पड़ेगा। वीरपुत्र तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो, शिवाजी वीरों का आदर करता है, उसकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, बस मेरी परीक्षा में तुम सफल हो गए, मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। फिर वो पैरों पर गिर जाता है और क्षमा मतलब बोलता है कि आप धन्य हो। फिर शिवाजी, वीरपुत्र जिस प्रकार तुम अपने माता के दुख से दुखी हो और व्याकुल हो रहे हो, वैसे ही मैं भी दुखी हूँ। दिन रात इसी चिंता में रहता हूँ कि मैं भारत माता के दुख कैसे दूर करूँ, है ना। महाराज ये शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है, अंत में वो क्या प्रतिक्रिया करता है, जब तक इस शरीर में जान है मैं मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि वो भी वीरपुत्र था ना, उसके पिता ने भी इसी प्रकार जान दी थी अपनी, ठीक है। वीरपुत्र मैं तुमसे यही आशा करता हूँ, फिर बाद में वो उसको अपनी सेना में रख लेते हैं, ठीक है, और आगे जाके जो है वो बहुत उनकी मदद करता है। आ गया चैप्टर समझ में, ठीक है। अब इसके जो ये शब्दार्थ है आपको समानार्थी के रूप में पूछे जाते हैं कभी कभी एक दो, है ना, तो वो उस हिसाब से करना, और एक्सप्लेन मैंने पूरा कर दिया है, लेकिन चैप्टर बहुत बड़ा है इसलिए आपको जो ये है ये आपको 3 पार्ट में आएगा, है ना। आज पार्ट 1 है, एक एक पार्ट ग्रामर का होगा और एक पार्ट जो है इसके अंदर थोड़ी सी आपकी मतलब ग्रामर में भी बहुत सारा है, इसके अंदर विशेषण जो है वो आपको पहचान के लिखना है, विशेषण के प्रकार पहचान के लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म होती है, ठीक है, सेकेंड पार्ट हम लोग जो है वो सेकेंड वीडियो में करेंगे, ओके, बाय।